हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से बायोवेदिक्स में। और हम आपको यहाँ देते हैं बायोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी आपके सिलेबस के रिगार्ड। तो बच्चों, आज का टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। ये आपके जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके लास्ट का सेक्शन है, यानी ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो बच्चों, इसमें मैं अगर बताऊँ आपको कि ऑल फोर ग्रुप्स डू नॉट हैव एनी प्लेस इन विटेकर क्लासिफिकेशन, यानी विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो इन चारों को उसमें कोई जगह नहीं दी थी, क्योंकि इन चारों ऑर्गेनिज़म्स को ये लोग थोड़ा स्पेसिफिक मानते थे, यानी ये मानते थे कि ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है और दे डू नॉट शो एनी रिप्रोडक्शन देमसेल्स, यानी ये अपना रिप्रोडक्शन अपने आप पूरा नहीं कर सकते, इन्हें अपना रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। अगर इन्हें अकेला छोड़ दें तो दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस देमसेल्स। तो स्टार्ट करते हैं वायरस से बच्चों, और वायरस का मीनिंग होता है वेनम, यानी पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं इसे। और ये जो वायरस टर्म है, ये जो प्रोवाइड की गई थी बच्चों, ये पाश्चर ने प्रोवाइड की थी। द टर्म वाज गिवन बाय द पाश्चर। और ये जो पाश्चर हैं, इन्होंने जब ये टर्म प्रोवाइड की थी तो इन्होंने इस वायरस के जो जो डिफरेंट पॉइजनिंग इफेक्ट हैं उनके बारे में डिटेल दी थी। ये पाश्चर जी थे, आप इनके दर्शन कर सकते थे। फिर वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, नॉन सेलुलर या ए सेलुलर। तो सीधी सी बात है, ये ट्रूली लिविंग तो नहीं है, ये तो एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जिसमें सेल भी नहीं है और कुछ भी लिविंग मटेरियल। तो लिविंग मटेरियल तो है लेकिन ओवरऑल ये लिविंग नहीं है। तो बच्चों, वायरसेस आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हैं, केवल मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर एंटर कर जाएं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे आर नॉन लिविंग बट बिकम लिविंग व्हेन इट एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। फिर बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस जो हैं बच्चों, ये प्रोटीन की एक शीट है, प्रोटीन की एक कवरिंग है जिसके भीतर न्यूक्लिक एसिड जो है वो पैक है। इसमें और कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं। आप यहाँ दो डायग्राम देख रहे होंगे, एक नेकेड डायग्राम देखिए नेकेड वायरस का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और बाहर कैप्सिड है और कुछ नहीं है। कैप्सिड जो है बच्चों, वो एक अपने आप में प्रोटीन है और इसकी जो सब यूनिट हैं वो बनी होती हैं कैप्सोमेयर से, यानी बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिल करके कैप्सिड बनाते हैं। तो कैप्सिड जो है वो पॉलीमर ऑफ कैप्सोमर्स है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं हम न्यूक्लियो कैप्सिड। और अगर कैप्सिड के ऊपर कोई और एनवलप है तो इस तरह के वायरसेस जो हैं वो एनवलप्ड वायरस कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, के वायरस क्लासिफिकेशन दिया मैंने, ये मेरे पास एक पिक थी और आप ध्यान से देखिए इसे, कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड देयर रेप्लिकेशन ये सिक्स टाइप में डिवाइडेड हैं। एक एचआईवी वायरस है, फिर बैक्टीरियोफेज वायरस है, फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिना वायरस है, फिर टीएमवी है और फिर इबोला वायरस है। तो इनके स्ट्रक्चर आप थोड़ा देख सकते हैं। इन 1892 इवानोविस्की डिस्कवर्ड टीएमवी, तो ये आप नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इन्होंने कहा था कि जो टीएमवी है वो स्मॉलर देन द बैक्टीरिया है, यानी वायरस के साइज की बात इन्होंने की थी। फिर एक और व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बिजर्निक, और इन्होंने कहा था वायरसेस के बारे में कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, यानी वायरसेस आर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, जो हमारी जो जो ह्यूमन सिस्टम है उसके लिए हार्मफुल हैं। तो ये भी नाम याद रखिए। एक और साइंटिस्ट का जिक्र है एनसीईआरटी में, हुआ है स्टेनले, इन 1935 स्टेट दैट द वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने कहा था कि वायरस को क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है और इसका जो क्रिस्टल्स हैं जो बनेंगे वो प्रोटीन के होते हैं। यानी आपको समझना चाहिए कि वायरसेस कैन बी स्टोर्ड एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं बच्चों, यानी वायरसेस सेल के भीतर एज ए पैरासाइट रहते हैं और ऑब्लिगेटरी
मीन से रहते हैं, यानी 100% डिपेंडेंट ऑन द इंट्रा सेलुलर रीजन। फिर वायरसेस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, पहली बात कि वायरसेस में एंजाइम्स तो होते नहीं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप ऑफ वो है वायरसेस जिसे रेट्रोवायरसेस कहते हैं, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और इस एंजाइम का नाम है आरटी एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसका एग्जांपल बच्चों एचआईवी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर आगे बात करें तो जेनेटिक मटेरियल की, तो वायरसेस में बच्चों जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होते, ये बात आप गांठ मान लीजिए। और प्लांट में अलग और एनिमल में अलग, इस तरह से भी कैटेगराइजेशन है, यानी प्लांट में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है और एनिमल में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले देखिए कि इन्फेक्शियस पार्ट जो है वो वायरसेस का बच्चों, वो हमेशा उसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो प्रोटीन की कवरिंग है उसके ऊपर, जिसे हमने कैप्सिड कहा था, उसका वायरल इन्फेक्शन में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वायरल परफॉर्म इट्स इन्फेक्शन थ्रू इट्स ओनली जेनेटिक मटेरियल, नॉट फ्रॉम द प्रोटीन कोट। तो अब प्लांट वायरस की बात, जो मैंने अभी पहले भी कहा था आपको कि प्लांट वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसमें कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो है सीएमवी, ये एक्सेप्शन है, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, जब नीट में क्वेश्चन आता है तो वो एक्सेप्शन से थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इसको नोट कीजिएगा। फिर एनिमल वायरसेस की बात करें तो एनिमल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैरी करते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शन आ गए एचआईवी जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और रियो वायरस जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो ये इसके एक्सेप्शन है एनिमल वायरस के, तो आप इन्हें याद कीजिएगा। फिर बच्चों आगे बात करें तो बैक्टीरियोफेजेस की, तो ये बैक्टीरियोफेज एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है वायरस का, और ये वो वायरसेस होते हैं बच्चों जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, यानी द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये इनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बैक्टीरियोफेजेस ऑल्सो कैरी प्रोटीन कोट, इनके पास भी प्रोटीन कोट होता है विच इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड, जैसे और नॉर्मल वायरसेस में कैप्सिड कहते हैं, सब यूनिट ऑफ कैस्पिड इनमें भी कैप्सोमर्स ही होती हैं। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक वाइज स्ट्रक्चर वाइज तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस के सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इनका स्ट्रक्चर बच्चों आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें हेड कॉलर और टेल, तो तीन बड़े रीजन हैं। हेड में इनका न्यूक्लिक एसिड पैक रहता है, जो मैंने पहले ही बताया डीएनए है, फिर कॉलर बीच का पार्ट है, और टेल जिसके थ्रू ये किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, उसके ऊपर स्टेबलाइज होकर के अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करता है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर कुछ वायरल डिजीज़ का जिक्र है एनसीईआरटी में, और वायरल डिजीज़ इन ह्यूमन बच्चों स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स, तो आप ये डिजीज़ ज़रूर याद रखिएगा, होती और भी हैं, लेकिन ये क्योंकि एनसीईआरटी में इनका जिक्र है तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर वायरल डिजीज़ इन प्लांट, लीफ रोलिंग डिजीज़ है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग इन पपाया, वेन मोजाइक ऑफ भिंडी एंड वेन क्लियरिंग डिजीज़, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो स्पेसिफिक हैं वायरल के लिए, वायरसेस के लिए सॉरी, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, जैसे वेरॉइड्स, और जो वेरॉइड्स है ये हमारी एनसीईआरटी में कुछ दो चार पॉइंट में दिया है, उनको मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। तो आप देखिए कि वेरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टी ओ डिनर इन 1971, और ये जो वेरॉइड्स हैं ये स्मॉलर देन द वायरसेस, पहली बात तो ये है कि वायरस से छोटे होते हैं, और इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो कम होता है, और बच्चों इनमें आरएनए पाया जाता है विदाउट प्रोटीन कोट, यानी इनमें प्रोटीन कोट की कवरिंग नहीं होती, तो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और आप इन्हें लगातार रिवाइज़ करते रहिए और इन्हें ध्यान रखिएगा, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी क्लास एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरॉइड्स आर इज़
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, NCERT में लिखी हुई है और ये मैचिंग में आपसे पूछी जाती है, आप इसको याद रखिएगा। तो और बच्चों, आप जब ये टॉपिक कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको NCERT को ही चिपक के रहना है, वहीं से इसको कैरी करना है। अब इसमें एक और टॉपिक है प्रायोन्स, छोटा सा टॉपिक है और आप इसे ध्यान रखिएगा कि प्रायोन्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं और इनमें बच्चों ये वायरस जैसे ही हैं, लेकिन ये स्पेशल होते हैं बहुत, यानी ये इन्फेक्शियस पार्टिकल तो हैं लेकिन इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो एबनॉर्मली फोल्डिंग कंडीशन में पाई जाती है, यानी इनकी प्रोटीन जो है वो स्पेशली फोल्डेड प्रोटीन है और इनका जो साइज है वो वायरस से छोटा होता है। और जो प्रायोन्स है बच्चों वो डिजीज़ कॉज करते हैं कैटल में, ह्यूमन में, और कैटल की जो डिजीज़ है उसे मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। फिर एक है क्रे जैकब डिजीज़, ये इंसानों में पाई जाती है ह्यूमंस में, और एक और डिजीज़ है बच्चों कुरू डिजीज़, और ये भी ह्यूमन बींग में पाई जाती है, तो आप ये नाम याद रखिएगा। फिर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है लाइकेंस का, लाइकेंस हमने पहले भी पढ़ा था और ये पिछले वीडियो में इसकी मैंने डिटेल दी थी, आप देखिएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको बेसिक ले लेते हैं हम कि एल्गी और फंजाई जो हैं दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बच्चों वो लाइकेंस कहलाता है, और इस लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोंट कहते हैं। तो आप ये टर्म याद रखिएगा, मैंने पहले वीडियो में भी इन्हें बोला था। फिर एल्गी एंड फंजाई जो हैं, जो दोनों का एसोसिएशन है बच्चों, दोनों का रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी दोनों अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि एल्गी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कराती है और जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर और मिनरल वाटर प्रोवाइड कराते हैं। फिर लाइकेंस जो हैं वो बहुत शानदार पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं और ये जनरली केवल उसी जगह पर पाए जाते हैं, उसी रीजन पर पाए जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, यानी दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड रीजन और दे आर वेरी सेंसिटिव टू द CO2। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब